Abril Huerta. के संभल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मामला चौधरी सराय पुलिस चौकी पर पथराव और तोड़फोड़ का है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिला अध्यक्ष फिरोज खान समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मामले में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार किया है। वहीं दूसरे मामलों में बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सैकड़ों अज्ञात बताए गए हैं और अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाँच में जुटी है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, बसें और कई वाहन फूंके हैं। न्यूज डेस्क।